पूरी तरह से रास्ता बंद हो गया है। एक यहाँ पे बाइक वाला जाना चाहता था, उसके साथ देखिए हल्का सा झगड़ा उगड़ा कर रहे हैं, समझाने को कह रहे, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ रहे हैं, वापस कर रहे हैं। बात जो सुप्रीम कोर्ट के साथ जर्नलिस्ट ने जो किया है, ये एक के अपने में लोगों पर भ्रम फैलाने का जो काम कर रही है, और केंद्र के साजिश के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने काम कर रही है। जो सात जज जो फैसला लिए है, फैसला को उनको वापस लेना होगा। आप सब देख रहे हैं संविधान को लेकर को खत्म करने का काम केंद्र सरकार कर रही है, और उसके इशारे पर सुप्रीम कोर्ट के जज भी चल रहे हैं, वो सब की बात है। आज हम लोग ये समर्थन देने के झारखंड मुक्ति मोर्चा जो समर्थन दे रहे हैं झारखंड बंद होने का, ये बचाना है, देश को बचाना है, इसका समर्थन दिया रहा है। और ये एक झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट नाराजगी जाहिर हम लोग ये मांग करता है निर्मल छात्र संघ की एसटीएससी बीच में जो सब क्लासिफिकेशन की बात हो रही है, केंद्र सरकार इसको पलटे और ना ही क्रिमिनल के हम स्वीकार। हम लोग ये मांग करते हैं इस निर्णय को पलटा जाए और जय 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 बैठ करके और भाषण के माध्यम से भी ये चिल्लाना शुरू कर दिए थे कि हम संविधान को खत्म करेंगे, आरक्षण को खत्म करेंगे, और ये अपनी साजिश में धीरे धीरे कामयाब होने ये लोग सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण का है ये करते हैं, जिससे तमाम देश के आदिवासी मूलवासी आप कहें दलित सारे लोग आक्रोशित हैं, और आज उसी का नतीजा है कि पूरे भारत को आज एसटी एससी ओबीसी वगैरह के टीम में बंद कर दिया है, और सभी यह मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसे वापस लें, और सरकार जो संविधान को ख़त्म करने और आरक्षण को ख़त्म करने का जो साजिश कर रही है उससे बाज आए। उसका मतलब